अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी का धरना शुरू हो चुका है। बंगला रेनोवेशन मामले में बीजेपी ने केजरीवाल के आवास के बाहर डेरा डाल दिया है। दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे हैं। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने अपने बंगले के सौंदर्यीकरण में 45 करोड़ रुपए खर्च किए। ये जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जिसका दुरुपयोग आम आदमी पार्टी कर रही है, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में संग्राम छिड़ चुका है। सड़कों पर उतरकर एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार का दौर तेज है। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए अपने राजमहल पर लगा दिए, तो उधर से चाहे संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज, वो कह रहे हैं कि एक बार जरा प्रधानमंत्री के आवास का खर्चा निकालकर जनता के सामने रखिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल दिल्ली की सड़कें इस वक्त किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं लग रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल धरना भारतीय जनता पार्टी दे रही है केजरीवाल के आवास से थोड़ा पहले। यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स करके इन कार्यकर्ताओं को रोका हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास यानी कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड के ठीक बाहर खड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये जो सफेद कलर की बिल्डिंग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी, कैमरा पर्सन पवन आपको जूम करके दिखा रहे होंगे, ये सफेद कलर की बिल्डिंग ही 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास है। इस समय जो मुख्यमंत्री आवास है वो सियासी गलियारों से लेकर के हेडलाइंस में काफी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन और साज सज्जा के नाम पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर खर्च कर दिए, ऐसा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। तमाम बिल्स जो है वो भी पेश किए जा रहे हैं कि आपने वियतनाम से जो है वो इंपोर्टेड टाइल्स मंगाई। आज दिल्ली बीजेपी जो है वो एक बड़ा प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जो है वो भी आयोजित कर रही है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी के रिएक्शन की बात करें तो आम आदमी पार्टी का ये रुख है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता यानी कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तमाम तरह के लग्जरीज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनके कोट हो या फिर उनके लग्जरी गाड़ियाँ हो, तो ये है आम आदमी पार्टी का रिएक्शन। वहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच भी इस बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ अमृत प्रकाश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।